नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कन्वर्शन डिसऑर्डर एक ऐसा विकार है जिसमें मानसिक या भावनात्मक परेशानियों के कारण व्यक्ति को शारीरिक समस्याओं का अनुभव होता है। यहां रोचक यह है कि भले ही आपको स्वास्थ्य समस्याओं के शारीरिक लक्षणों का अनुभव होता हो, लेकिन इसमें कोई भी अंतर्निहित बीमारी या चोट स्पष्ट नहीं होती है। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है, कन्वर्शन डिसऑर्डर में व्यक्ति में तंत्रिका तंत्र संबंधी लक्षण न्यूरोलॉजिकल नज़र आ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की कोई भी न्यूरोलॉजिकल बीमारी या अन्य चिकित्सा स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। हालांकि इसके लक्षण वास्तविक होते हैं जो कई प्रकार की समस्याओं का कारण। उदाहरण के लिए, आप बाइक से बुरी तरह से गिरते हैं, इसके बाद अनुभव होता है कि जैसे आप हाथों को उठा नहीं पा रहे हैं, जबकि न तो हाथ में कोई चोट लगी है ना ही शरीर के किसी अन्य हिस्से में। कन्वर्शन डिसऑर्डर क्यों होता है, अभी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भावनात्मक तनावों से निपटने के लिए मस्तिष्क जिस प्रकार के प्रयास करता है उसके कारण यह समस्या हो सकती है। कई प्रकार की थेरेपी इस विकार के लक्षणों को कम करने में सहायक होती हैं। कन्वर्शन डिसऑर्डर में व्यक्ति अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता है। इसे फंक्शन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के व्यापक श्रेणी में शामिल किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कन्वर्शन डिसऑर्डर के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक जानते हैं। कन्वर्शन डिसऑर्डर के लक्षण, कन्वर्शन डिसऑर्डर के लक्षण आमतौर पर अचानक ही विकसित होते हैं। ये लक्षण तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी या अन्य नसों की समस्याओं की तरह से दिखते हैं। कन्वर्शन डिसऑर्डर के लक्षण और उसकी गंभीरता एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न हो सकती है। कुछ लोगों में इसके लक्षण सिर्फ एक या दो बार दिखाई देते हैं या फिर किसी तनाव की स्थिति में इन लक्षणों का अनुभव हो सकता है। कुछ इस प्रकार की समस्याओं का अनुभव हो सकता है, जैसे गंध ना आना, झटके आना, हाथ या पैरों में लकवा मारना, संतुलन न बना पाना, कमजोरी या हाथ पैरों का सुन्न होना, दृष्टि संबंधी समस्याएं जैसे अंधापन या दोहरी दृष्टि, निगलने में कठिनाई, ऐसा महसूस करना जैसे गले में कोई गांठ हो, बोलने में कठिनाई होना, आंशिक रूप से या बिल्कुल सुनाई न दे। कन्वर्शन डिसऑर्डर क्यों होता है, कन्वर्शन डिसऑर्डर किन कारणों से होता है, इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि माना जाता है कि अत्यधिक तनाव लेने, इमोशनल स्ट्रेस या अवसाद के कारण इसके लक्षण नज़र आ सकते हैं। यह किसी भी खतरे को लेकर शरीर की प्रतिक्रिया का भी परिणाम हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कन्वर्शन डिसऑर्डर होने का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा जिन लोगों को पहले भी इमोशनल स्ट्रेस की समस्या रह चुकी हो या जो आसानी से अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पाते हों, ऐसे लोगों को भी इस विकार का खतरा अधिक रहता है। मस्तिष्क के कुछ हिस्से जो आपकी मांसपेशियों और इंद्रियों के कामकाज को नियंत्रित करते हैं, वह भी इसका कारण हो सकते हैं। विकार के लक्षण किस कारण से बढ़ रहे हैं, इसे हर बार आसानी से पहचाना भी नहीं जा सकता है। कन्वर्शन डिसऑर्डर के जोखिम कारक, इसके क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, इन स्थितियों में कन्वर्शन डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। जैसे यदि आपको पहले से ही मिर्गी या माइग्रेन जैसी समस्या हो तो उस स्थिति में भी कन्वर्शन डिसऑर्डर होने का डर रहता है। नंबर दो, हाल ही में यदि आपको किसी प्रकार का तनाव, भावनात्मक या शारीरिक आघात हुआ हो, यदि आपको मूड या एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर डी
एसोसिएटिव डिसऑर्डर की समस्या रही हो, परिवार के किसी सदस्य को कन्वर्शन डिसऑर्डर की समस्या हो, जो लोग बचपन में या शारीरिक या मानसिक शोषण का शिकार रहे हों, ऐसी स्थिति भी कन्वर्शन डिसऑर्डर की समस्या को जन्म दे सकती है। अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को ये समस्याएं हों, इस तरह के लक्षण अगर आप में दिखाई देते हैं तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कन्वर्जन डिसऑर्डर का निदान क्या होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए कोई भी विशेष परीक्षण उपलब्ध नहीं है। परीक्षणों के द्वारा विकार के शारीरिक, मानसिक या न्यूरोलॉजिकल कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। आपसे हाल ही की घटनाओं के बारे में भी पूछ सकते हैं जिसके कारण आपको तनाव हुआ है। इसके अलावा निदान के लिए रोगी के लक्षणों के आधार पर कुछ परीक्षण किए जा सकते हैं, जैसे सीटी स्कैन, एक्सरे या अन्य इमेजिंग टेस्ट, एमआरआई। इससे संबंधित चोट और न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को पता लगाया जाता है। दौरे पड़ने के लक्षणों में इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम टेस्ट किया जाता है, इससे संबंधित न्यूरोलॉजिकल स्थितियां भी स्पष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा नियमित परीक्षण के रूप में रोगी के ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। कन्वर्शन डिसऑर्डर का इलाज रोगी की स्थिति और विकार के लक्षणों के आधार पर किया जाता है। परीक्षणों के माध्यम से यदि स्पष्ट होता है कि रोगी को कोई गंभीर शारीरिक समस्या नहीं है तो उसके लक्षणों को प्रतिबंधित करना अपेक्षाकृत आसान होता है। यदि रोगी में किसी भी चिकित्सीय या न्यूरोलॉजिकल रोग के कारण लक्षण बढ़ रहे हैं तो उन पर कुछ उपचार माध्यमों का प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT। इस मनोचिकित्सा के माध्यम से रोगी की एक नकारात्मक सोच को बदलकर उसमें सकारात्मक सोच का अनुभव कराया जाता है। फिजिकल या ऑक्यूप्रेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, तनाव को कम करने में मदद करने वाली अन्य उपाय और थेरेपी। इस विकार के इलाज के लिए अब तक किसी भी दवा को मान्यता नहीं दी गई है। दोस्तों, इस विकार के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है मेंटल सिम्टम्स के लिए बहुत ही बेहतर मेडिसिन है। यदि रोगी को अवसाद या अन्य मनोदशा संबंधी विकार अथवा दर्द या अनिद्रा है तो एंटी डिप्रेसिव दवाएं दी जा सकती हैं। ध्यान रहे, ऐसी स्थिति में किसी भी दवा के प्रयोग से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। दोस्तों, इस संबंध में मेरे से सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अब लेता हूँ विदा, मिलते आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।